लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने शहरवासियों की समस्याओं को सामने लाने के लिए एक नया तरीका निकाला है। विधानसभा ने अपने समर्थकों को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। समर्थक लोगों की समस्या सुनेंगे और विधायक तक पहुंचाएंगे। विधायक अपने स्तर पर लोगों की समस्याओं का निराकरण करवाएंगे। दरअसल विधायक ने वार्डों में लोगों की समस्याओं को जानने के लिए बूथ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। सभी बूथों पर एक कोऑर्डिनेटर रहेगा जो लोगों की समस्याओं को सुनेगा। हर दिन लोगों को समय दिया जाएगा, लोग बूथ कोऑर्डिनेटर के पास आएंगे और अपनी परेशानियां बताएंगे। लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी समस्याएं विधायक तक पहुंचेगी, इसके लिए कोऑर्डिनेटर पूरी तरह व्यवस्थित काम करेंगे ताकि कोई भी इससे चूके नहीं। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हम बूथ कोऑर्डिनेटर्स तैयार कर रहे हैं, युवाओं का ग्रुप इसमें शामिल रहेगा। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और समस्याओं से हमको अवगत कराएंगे। इसके लिए सेवा सदन कॉलेज में बूथ कोऑर्डिनेटरों की बैठक ली गई। इसमें विधायक ने युवाओं को जरूरी जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने लोगों की परेशानियाँ सुनने संबंधी जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान राजेश सिंह ठाकुर, मनोज शर्मा, हर्षित सिंह ठाकुर समेत कई समर्थक मौजूद रहे। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। बूथ कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, हर बूथ पे एक व्यक्ति को जॉब दे रहे हैं जो उस बूथ को संभाले और सवारे। हर वार्ड में हमारे बहुत सारे लोग हैं, कोई व्यक्ति जॉब नहीं ले ले और उसको बाकी समस्याओं से हमको अवगत कराए। बाकी राजनीतिक समस्या क्या है, वहाँ सामाजिक समस्या क्या है, वापस देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।